का खुलासा लूटी गई नकदी के साथ तीन लुटेरे गिरफ्तार। मुरादाबाद के कटघर पुलिस ने पशु व्यापारी से हुई लूट का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे लूटी गई रकम भी बरामद की है। इन आरोपियों ने पशु व्यापारी को लिफ्ट देने के बहाने कार में बैठाकर मंजूला क्षेत्र में फेंक दिया था। एसपी सिटी अमित आनंद ने थाना कटघर क्षेत्र में चार दिन पूर्व हुए पशु व्यापारी के साथ हुई 2.5 लाख की लूट का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को मीडिया के सामने पेश किया है। दरअसल घटना 3 अगस्त की है। बरेली के रहने वाले पशु व्यापारी एते श्याम को आरोपियों ने बरेली तक लिफ्ट देने के बहाने अपनी स्विफ्ट डिजायर कार में हनुमान मूर्ति चौराहे से बैठा लिया था और उसे मंझोला क्षेत्र स्थित नए मुरादाबाद में सुनसान जगह पर 2.5 लाख रुपए लूटने के बाद उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए थे। कटघर पुलिस ने इस लूट की जब गहनता से जांच की तो लुटेरों का सरगना बिक्की उर्फ संजय वर्मा दसराय का ही निकला। उसने अपने 2 साथियों रवि और जितेंद्र के साथ मिलकर इस लूट को अंजाम दिया था। रवि और जितेंद्र पड़ोसी प्रदेश उत्तराखंड के काशीपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन सबके पास से लूटी गई नकदी में से 1,54,000 रुपए बरामद किए हैं और लूट में प्रयोग की गई कार भी बरामद की है। एसपी सिटी ने कहा कि इनका आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। ये थाना कटघर क्षेत्र में 3 तारीख को 2.5 लाख रुपए लूट की सूचना आई थी, जिसपे आज कटघर थाने ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए इस लूट में जितने सम्मिलित लोग थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो पशु व्यापारी का एक नौकर था वो 2.5 लाख रुपए लेके चला था और उसी को बीच में हनुमान मूर्ति के पास अपनी गाड़ी में इन लोगों ने बैठा लिया था और इससे वो रुपए लूट के इसे थाना मझोला क्षेत्र में छोड़ के ये लोग निकल गए थे। इसमें जो घटनास्थल के CCTV आसपास का अवलोकन किया गया तो इसमें इनकी गाड़ी को ट्रेस किया गया, गाड़ी से फिर इन लोगों के पास पहुँचाया गया तो इनकी गिरफ्तारी की गई। इनके पास से 1,54,000 रुपये बरामद किया गया, साथ ही एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस, 12 बोर, 1 नाजायज चाकू और जो घटना में इनके द्वारा जो स्विफ्ट डिज़ायर यूज़ की गई थी उसको भी बरामद किया गया है। ये इनमें से जो इनका मेन है लीडर विक्की उर्फ संजय, ये थाना कटघर क्षेत्र का ही रहने वाला है। बाकी इसके साथ के जो 2 साथी हैं वो काशीपुर के रहने वाले हैं। एक इसका दोस्त है, एक इसके रिश्ते में ये 2 चाचा भतीजे लगते हैं। इनका इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने ये बताया कि लॉकडाउन के बाद इनके पास पैसों की कमी हो गई थी, इसी के कारण इन्होंने ये काम शुरू किया और इससे पहले के इनके आपराधिक इतिहास इन्होंने जो बताया कि ऐसा कुछ रहा नहीं है। इसमें अभी पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, इनके और भी कोई आपराधिक इतिहास हो तो पूछा जाए, देखा जाए। और इनके इन्होंने बताया कि इससे पहले इन्होंने 2-3 घटनाएं और करी थी बट उसमें ज़्यादा रुपए नहीं थे, 2-3 हज़ार रुपये ही थे तो इसलिए शायद किसी ने कंप्लेंट नहीं करी है। इस घटना में भी इन्होंने जो पैसे लिए उसमें से इन्होंने बताया कि 30,000 रुपये इन्होंने वापस कर दिए थे कि तुम करें। और इनका ये कहना है कि जिसमें एक विक्की है ये इसकी खुद की भी वगैरह फैक्ट्री है, 12-13 लोग इसके फैक्ट्री में काम करते थे और लॉकडाउन में इसका 2.5-3 लाख रुपए का उधारी हो गई लोगों पे, जो लोगों ने इसे वापस नहीं करे, साथ में जो ऑर्डर्स थे वो कैंसिल हो गए। जो दूसरा व्यक्ति है बाकी एक ड्राइवर है, एक सब्जी बेचने वाले हैं, तो इसी के कारण इन्होंने ये घटना पारित की है। इसके द्वारा माना जा सकता है कि लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हो गए, इन्होंने ये घटना का अंजाम दिया। लॉकडाउन के चलते कई लोगों को दिक्कतें हुई हैं, उसमें एक रीज़न क्राइम जो लोगों ने घटनाएं की उसमें एक ये भी रीज़न रहा है कि इसके तरफ प्रेरित हो रहे हैं। बट साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि क्राइम का जो रास्ता है हमेशा ही आपको जेल ही पहुँचाएगा और ये जो इनके द्वारा जो घटना की गई और इसके बाद जो पुलिस की गिरफ्तारी जिस त्वरित रूप से थाना कटघर ने करी है बहुत ही सराहनीय है। बाकी लोगों को भी इसमें लेसन मिलेगा कि क्राइम का रास्ता हमेशा जेल की ओर ही जाता है। थैंक यू।